विगत 11 मई को रात 9:15 बजे सफेद मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार में सवार अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अध्यक्ष संतोष रावत को जान से मारने के इरादे से गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी 9:30 बजे के बीच मौके से फरार हो गए। इसी सिलसिले में संतोष सिंह चंदेल सिंह रावत के शिकायत पर थाना मूल में 178 धारा 307 34 आईपीसी धारा 325 भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस अधिकारी एवं प्रवर्तकों की कुल 16 टीमों का गठन किया है। जांच के दौरान ये भी पाया गया कि अभियुक्तों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब पहना था और अपराध में इस्तेमाल वाहन की पहचान छिपाने के लिए एक नकली वाहन नंबर का भी इस्तेमाल किया था। आरोपी और वाहन के तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न जांच टीमों द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस टीम द्वारा की गई जांच के दौरान राजवीर कुंदनलाल यादव उम्र 36 वर्ष और अमर कुंवरलाल यादव उम्र 29 वर्ष दोनों RS चंद्रशेखर आजाद चौक बाबूपेट चंद्रपुर निवासी हैं। साथ ही रिश्ते में दोनों आरोपी सगे भाई होने की चौंका देने वाली बात भी सामने आई है। राजवीर यादव और अमर यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अध्यक्ष संतोष रावत ने आरोपी राजवीर यादव और अमर यादव के माध्यम से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नौकरी देने का झांसा देकर पैसे की उगाही की। उसके पश्चात न तो उन्हें नौकरी मिली, न तो दिया हुआ पैसा वापस मिला, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर उसे जान से मारने की कोशिश की, मगर संतोष रावत बाल बाल बच गए। हालांकि आरोपी से अपराध के सभी पहलुओं में आगे की पूछताछ जारी है। ऐसी जानकारी पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। मूळच्या घटनेत दोन आरोपी पकडण्यात आलेले असून त्यांनी काही मुलांना वेस्टर्न कोल फील्ड येथे नोकरी लावून द्या असे म्हणून फिर्यादी यांना पैसे दिले होते काही वर्षापूर्वी, आणि ते पैसे परत मिळाले नाही, नोकरी लागली नाही, पैसे परत मिळाले नाही। त्या रागातून त्यांनी दिनांक 11 मे रोजी रात्री 9:15 ते 9:30 दरम्यान फिर्यादी यांच्यावरती गोळीबार करून फिर्यादींना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला। यात दोन आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे, गाडी आयडेंटिफाय झालेली आहे, लवकरच गाडी जप्त करण्यात येईल। त्याचप्रमाणे हत्याराचाही शोध सुरू आहे, तर देखील आरोपींकडून लवकरच तपासात जप्त केले जाईल त्यासाठी प्रयत्न चालू आहे। प्राथमिक तपासात आरोपींनी काही मुलांना वेस्टर्न कोलफील्ड इथे नोकरी लावून देण्यासाठी पैसे दिले होते, ते पैसे परत मिळाले नाही, नोकरी लागली नाही, हेच प्राथमिक तपासात सध्या आत्तापर्यंत तरी निष्पन्न झालेलं आहे आणि सर्व दृष्टीने तपास चालू आहे। आरोपी एका पक्षाचा उत्तर भारतीय सेलचा प्रमुख असल्याचे त्यांनी सांगितलेले आहे, परंतु त्याची देखील आम्ही शहनशा करीत आहोत। चंद्रपूर से सुनील ताडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।